अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज की एन टर्म्स हो तो उसको ऐड किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीरीज बेसिकली क्या होती है कि अगर मेरे पास कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो तो अगर उसके टर्म्स को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास वो ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो अब अगर किसी ज्योमेट्रिक सीरीज के टर्म्स को ऐड करना हो तो उसके लिए एक फार्मूला चाहिए होगा, तो हम इसमें वो फार्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे कि फॉर एनी सीक्वेंस, फॉर एनी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ए एन, ये ए एन बेसिकली मैं कहता हूँ कि कोई भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है वी हैव। ठीक है, अब चूंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो मैं इसे सीरीज किस तरह से लिख सकता हूँ। मैं सीरीज लिख सकता हूँ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स को जब ऐड किया जाता है तो आपके पास जो चीज बनेगी वो क्या होगी, ज्योमेट्रिक सीरीज होगी। क्योंकि ये हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड किया है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये एस एन के इक्वल है। ठीक है, अच्छा अब मजीद अगर आप इसको एक्सटेंड करें ना तो ए वन तो एज इट इज आएगा, क्योंकि ये सारी जो टर्म्स हैं ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स हैं, तो ए टू को लिखा जा सकता है ए वन इंटू आर, ए टू को लिखा जा सकता है ए वन इंटू आर स्केयर। ठीक है, और अप टू सो ऑन, और ए एन जो है इसको लिखा जा सकता है ए आर एन माइनस वन। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वन माइनस आर। ठीक है, तो अगर आप इस जो ऊपर इक्वेशन बनी थी उसकी दोनों साइड को वन माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा एस एन वन माइनस आर इंटू ए वन प्लस ए वन आर प्लस ए वन आर स्केयर, और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस अप टू सो वन प्लस ए वन आर एन माइनस वन। ठीक हो गया, अच्छा तो इसको अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं वन माइनस आर एस एन। अच्छा, अब यहां आपने क्या करना है कि वन माइनस आर है ना, यहां पे आपने लिखा, ये बाकी जितने भी टर्म्स है ना वहां से आप अगर ए वन कॉमन ले लें तो आ जाएगा वन प्लस आर प्लस आर स्केयर अप टू सो वन आर एन माइनस वन। ठीक हो गया, तो मतलब ये जितने भी टर्म्स थी ना यहां पर उसमें से आपने क्या कॉमन लिया, ए कॉमन लिया। ठीक हो गया, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करें तो ए वन इंटू वन माइनस आर, अंदर क्या रह जाएगा वन प्लस आर प्लस आर स्केयर अप टू सो वन प्लस आर एन माइनस वन, ये आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ए वन आप अगर इस वन को ना सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा वन प्लस आर स्केयर प्लस अप टू सो वन प्लस आर एन माइनस वन, आर एन माइनस वन। ठीक हो गया, उसी तरह जब आप उसको माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई करें ना तो आपके पास आएगा आर प्लस आर स्केयर प्लस अप टू सो वन प्लस आर एन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वन भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, जब माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप देखें ना तो अगर आप इसको ओपन करें तो देखिए ये आर माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, आर टू माइनस आर टू कैंसिल हो, ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ दो टर्म्स बचेंगे। कौन कौन सी टर्म बचेंगे, आपके पास एक वन बचेगा एक आर वन, ये बीच वाले टर्म जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो आपके पास क्या आ जाएगा ए वन, सॉरी वन माइनस आर एस एन इज इक्वल्स टू ए वन वन माइनस आर एन, वन माइनस आर एन, और दिस इंप्लाइज इसको सिंप्लीफाई करके आप लिखें तो आ जाएगा ए वन वन माइनस आर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। ठीक है,
और यहाँ कंडीशन क्या होगी कि आर कैन नॉट बी इक्वल्स टू वन। वजह क्या है कि अगर आर को वन के इक्वल कर देंगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, जीरो की वजह से ये पूरी जो आपके पास सम ये अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, सो अगर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आर, इसको दो चीजों में, चूंकि आर वन की इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आर वन से ग्रेटर होगा और लेस भी होगा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि एस एन इज इक्वल्स टू ए वन इंटू वन माइनस आर एन ओवर वन माइनस आर, इफ कि अगर आपके पास आर क्या आ जाए, आर का मॉड वन की इक्वल आ जाए। और बेसिकली ये किसका, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर आर ग्रेटर हो माइनस वन से और लेस हो वन से तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और एस एन आएगा आपके पास ए वन वन माइनस आर एन, नहीं सॉरी यहाँ पे ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं कि यहां पर आएगा ए वन आर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन, इफ कि अगर आर का मॉड ग्रेटर देन वन आ जाए। इसका मतलब ये है कि आर का मतलब क्या, इसका मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर आर माइनस वन से लेस आ जाए या आर जो है वो वन से ग्रेटर आ जाए, तो उस केस में आपने क्या करना है कि सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक, सॉरी सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला फिर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो आर बेसिकली क्या है, अगर आर वन से लेस हो, आर माइनस वन से ग्रेटर हो, तो सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फार्मूला होगा वो ये होगा, और उसके अलावा अगर आर की वैल्यू माइनस वन से लेस आ जाए या आर की वैल्यू वन से ग्रेटर आ जाए तो उस केस में सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फार्मूला होगा वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से इस चीज को प्रूव किया जा सकता है। अच्छा जी, आपके पास क्या है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, मतलब आपने एस एन फाइंड करना है ज्योमेट्रिक सीरीज का, और उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या और जिस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से आपने सीरीज लिखनी है तो उसकी जो nth टर्म है ना ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, वो किसकी इक्वल है, माइनस थ्री इंटू टू डिवाइडेड बाई फाइव रेज टू द पावर एन के। ठीक हो गया। अच्छा क्या करेंगे इसके बाद, अच्छा अब हम क्या करेंगे, जो ए एन है ना इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। लेट से कि जो ए एन है मैं उसको लिख सकता हूं माइनस थ्री इंटू टू बाई फाइव, टू बाई फाइव, और इसको अगर मैं देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं इंटू टू बाई फाइव एन माइनस वन। ठीक हो गया, एन माइनस वन, ये एन माइनस वन आ जाएगा। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल्स टू माइनस सिक्स बाई फाइव, टू बाई फाइव एन माइनस वन। अगर ना इसको कंपेयर किया जाए, इस ए एन को किसके साथ, ए वन आर एन माइनस वन के साथ कंपेयर किया जाए, तो ए एन के साथ ए एन, ए वन की जगह क्या आ जाएगा, ए वन की जगह आएगा माइनस सिक्स बाई फाइव, और r की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, टू बाई फाइव, और टू बाई फाइव क्या है, वन से लेस है। ठीक है, ये जो r है ये वन से लेस है। अभी हमने कहा था कि अगर आपका r वन से लेस होगा तो एस एन का फार्मूला ये लगेगा, तो आपने ये वाला फार्मूला लगा देना। सो एस एन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, ए वन वन माइनस आर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। तो ये जो डेटा था, ए वन भी आपको गिवन है, आर भी आपको गिवन है, ये सारी अगर आप वैल्यूज यहाँ पुट करें ना तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस टू इंटू वन माइनस टू बाई फाइव रेज टू द पावर एन आ जाएगा। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज किस तरह से फाइंड करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।